आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,48,318 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,459 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 16,475 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में सोमवार को 3 जिलों में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,831 हो गई है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 823 सैंपल निगेटिव मिले हैं, जबकि देहरादून जिले में 4, नैनीताल जिले में 2 और उधम सिंह नगर में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,831 हो गई है, जबकि 2,111 लोग ठीक भी हुए हैं और केवल अभी 659 ही केस एक्टिव हैं, जबकि अभी तक टोटल 39 डेथ हो गई हैं। तो यहाँ पर एक और कल डेथ हुई है, जिसमें 65 वर्ष का बुजुर्ग जो है कोरोना की वजह से यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 176 हो गई है, बागेश्वर में 81, चमोली में 73, वहीं चंपावत में 54, देहरादून में 681, हरिद्वार में 313, नैनीताल में 470, पौड़ी गढ़वाल में 141, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 416, उधम सिंह नगर में 231, उत्तरकाशी में 64। टोटल मामले 2,831 हो गए हैं। अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वहीं अनलॉक 2 में कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 2 के नए नियमों की घोषणा कर दी। 31 जुलाई तक चलने वाले अनलॉक 2 के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और खेल कार्यक्रम पर भी पाबंदी जारी रहेगी। वहीं कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से सोमवार रात जारी दिशा निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू उड़ानों और रेल सेवाओं को जरूरत के मुताबिक विस्तार दिया जाएगा। दुकानों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 5 लोग तक एक साथ रह सकते हैं। सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवा छोड़कर 31 जुलाई तक पहले की तरह पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन डीएम तय करेंगे। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बेहद जरूरी काम के अलावा घर से न निकलने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही तथा सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रात के कर्फ्यू के दौरान राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों व माल की आवाजाही तथा सामान की लोडिंग अनलोडिंग की छूट रहेगी। वहीं देहरादून में कल से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल्स भी खुल जाएंगे। तो 1 जुलाई से नगर निगम देहरादून की छावनी परिषद क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के साथ होटल और मॉल भी खुल जाएंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों में दूर से ही दर्शन करने होंगे और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी है। वहीं खबर आई है टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर रोक लगा दी गई है। तो केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें टिकटॉक के अलावा यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, हेलो भी शामिल है। वहीं चीन से आज फिर लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय वार्ता करेंगे। इस बार भारतीय क्षेत्र में तो सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत से चीन सीमा के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरी बार बातचीत मंगलवार को होगी। वार्ता सुबह 10:30 बजे से LAC पर भारतीय इलाके चुसुल सेक्टर में होगी। इससे पहले 6 जून को और 22 जून को ऐसी बातचीत चीन की ओर से मोल्टो में हो चुकी है। वहीं बुजुर्ग बच्चे और नहीं कर सकेंगे चारधाम यात्रा, तो ई पास जरूरी। तो चारधाम यात्रा को लेकर के गाइडलाइन जारी हो गई है। तो प्रदेश में रहने वाले लोग 1 जुलाई से चारधाम के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट और बफर जोन में रहने वाले लोगों के साथ साथ बुजुर्ग और बच्चे यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिना पास कोई भी व्यक्ति चारधाम यात्रा नहीं जा पाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए फिलहाल यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। सोमवार को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा की गाइडलाइन जारी कर दिया है। वहीं कोरोना को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 साल से कम के बच्चों को अनुमति नहीं होगी। वहीं यात्रा के लिए पास जरूरी होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, badrinathkedarnath.gov.in पर पंजीकरण कराना जरूरी है। इसके बाद ई पास जारी किया जाएगा। पंजीकरण में व्यक्ति को स्वयं सत्यापन करने के साथ यात्रा शुरू करने की तारीख, निवास स्थान का पता, फोटो आईडी अपलोड करना जरूरी है। यात्रा के दौरान ई पास के साथ अपलोड किए गए फोटो आईडी साथ में रखनी होगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क पहनना भी अनिवार्य है।
और वही खबर आई है कंटेनमेंट जोन के छात्र बिना परीक्षा ही किए जाएंगे प्रमोट। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। वही खबर आई है ऋषिकेश यमकेश्वर से, जहाँ पे कार खाई में गिरी है, 2 के 3 लोगों की मौत हो गई है। तो लक्ष्मण झूला सिगोली मोटर मार्ग पर यमकेश्वर क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर के 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल भी खुले। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड में पूरे 100 दिन के बाद रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के आदेश कर दिए हैं। लोग अब रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट में भोजन कर सकेंगे। अलबत्ता रेस्टोरेंट संचालकों को वहां आने वालों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वहीं सुबह 7 बजे से खुलेंगे। तो सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश किए। आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिन रेस्टोरेंट में बार हैं उनमें बार अभी भी बंद रहेंगे। राज्य में पाबंद क्षेत्रों में ये गतिविधियां अभी बंद रहेंगी। सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक की इजाजत के आदेश भी कर दिए गए हैं। वहीं इन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा। तो अभी सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, बार, जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रहेंगे। और वहीं खबर आई है पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा निकालने पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 39 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आज धरना देंगे हरीश रावत। और वहीं बड़ी खबर आई है कोरोना वायरस का टीका बन गया है और इसके लिए अब जो है मानव परीक्षण पर मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन ने तैयार किए गए कोरोना के पहले टीके जिसका नाम कोवैक्सीन है को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। टीके में फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की अनुमति प्रदान की गई है। इसे ICMR की प्रयोगशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक की तरफ से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि यह पहला भारतीय टीका होगा जो क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पर पहुंच गया है। NIV ने भारत में मिले कोविड वायरस को आइसोलेट कर भारत बायोटेक को सौंपा है जिसका टीका उसने तैयार किया है। वहीं अभी 1 साल का वक्त लगेगा तो टीका को बाजार में आने में 1 साल लगेगा। 3 चरणों में ट्रायल होगा। पहले चरण में परीक्षणों के में शरीर पर दुष्प्रभाव देखा जाएगा। दूसरे चरण में सीमित संख्या में लोगों पर और तीसरे चरण में ज़्यादा लोगों पर ट्रायल होगा। तो इस प्रकार से जो है ट्रायल के बाद ये बाजार में आने की इसकी संभावना बताई गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को देश को संबोधित करेंगे। मौसम अपडेट की बात करते हैं तो दून में उमस भरी गर्मी से बारिश ने दिलाई राहत। तो सोमवार को उमस भरी गर्मी से दोपहर बाद हुई बारिश से राहत मिली है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह बारिश की संभावना है। तो प्रदेश में अगले 4-5 दिन बारिश में तेजी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 30 जून और 1 जुलाई को देहरादून में अनेक जगह गरज के साथ बारिश हो सकती है। 2 जुलाई को प्रदेश की कई जगह बारिश होने की संभावना बताई गई है। और वहीं खबर आई है पतंजलि की पलटी, कोरोना की दवा नहीं बनाई, दवा से कोरोना ठीक किया। तो कोरोना की दवा बनाने के अपने पूर्व के दावे से पतंजलि योगपीठ पलट गई है। प्रदेश के आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस के जवाब में कहा गया कि पतंजलि ने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि जो दवा बनाई गई है उससे कोरोना के मरीज ठीक किए गए हैं। कहा कि विभाग की ओर से जिस उद्देश्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था उसी के अनुरूप इम्यूनिटी बूस्टर, खांसी और बुखार की दवा बनाई गई। पतंजलि अब भी दावे व दवा दोनों पर कायम है। तो अब जो है दून के बाजार रविवार को बंद रहेंगे। तो सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को तय हुई है। तो SDM की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया तो दून जो है वो रविवार को लॉकडाउन की तर्ज पर बंद रहेगा। वहीं निरंजनपुर मंडी अब शनिवार को भी खुलेगी। और वहीं खबर आई है शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल को चेतावनी दी है, ट्यूशन फीस के अलावा ना लें कोई शुल्क तो ज़्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल नए शैक्षिक सत्र से तो हर ब्लॉक में CBSE से संबंध इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दिया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दावा किया है कि स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शैक्षिक सत्र शुरू कर दिया जाएगा। और वहीं खबर आई है गेस्ट टीचरों को तबादले का मौका। तो शिक्षा मंत्री ने 80 शिक्षकों को अंतर मंडलीय तबादले की सुविधा देने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि 80 शिक्षकों का चयन राज्य स्तर पर हुआ था, इसमें एक जिले व मंडल
से दूसरे जिले की ओर मंडल में भी नियुक्तियां हुई थी। उनका मानदेय भी 15,000 रुपए है। ऐसे में महसूस हुआ है कि वे अपने क्षेत्र से दूर जिलों में पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक मंडल जिला परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो गेस्ट टीचर हैं जो दूर दूर हैं वो अब अपने आस पास के क्षेत्रों में भी आ सकते हैं। और वहीं खबर आई है राज्य में युवाओं को 80% रोजगार की मांग। तो यूकेडी ने राज्य के युवाओं को उद्योगों में 80% रोजगार देने की मांग की है। युवा प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने के नेतृत्व में सोमवार को डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे यूकेडी नेताओं ने कहा कि यदि 15 दिन में इस विषय पर ठोस जवाब नहीं दिया गया तो प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। वहीं लॉकडाउन में जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए बढ़ता ही जा रहा है इंतजार, तो लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन भी खत्म होने को है, लेकिन जब्त हुए वाहनों को छुड़ाना लोगों के लिए एवरेस्ट चढ़ने से भी मुश्किल है। लॉकडाउन में पहले जिस जब्त वाहन को 3 दिन में की अवधि में छोड़ दिया जाता था उसे छुड़ाने के लिए अब वाहन स्वामी को 1 माह का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल निचले स्तर के कर्मचारियों की ओर से समय रहते अधिकारियों तक चालान का रिकॉर्ड नहीं पहुँचाने से यह समस्या पैदा हो रही है। चीन सीमा की सामरिक महत्व की सड़कों को मंजूरी मिल गई है। वहीं हर ब्लॉक में करें इंग्लिश मीडियम स्कूल का चयन। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय के विभागीय अधिकारियों से ली समीक्षा बैठक। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था ना हो तो स्थानीय साधन का करें प्रयोग। और वहीं खबर आई है बंगा पानी और दारचूला में भूस्खलन से पिता पुत्र की मौत। तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे दाखिम गांव में घुसा मलबा, मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। जबकि जोशीमठ से खबर आई जहाँ पे 3.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। और वहीं खबर है काशीपुर से जहाँ पे गाजियाबाद के आशीष ने अल्मोड़ा की लता संघ बॉर्डर पर लिए फेरे। वहीं आज से कॉर्बेट का बिजरानी जोन जो है वो पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी के साथ खबर आई है आप विधानसभा में देख सकेंगे नंदा देवी राजात की झलक। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को सदन परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजात की भित्ति चित्रों का लोकार्पण किया है। और खबर है देहरादून से जहाँ पे घूस लेने के दोषी आयकर अफसर को 10 साल का कठोर कारावास। तो वर्ष 2015 में सीबीआई ने खटीमा में 1 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा था। और वहीं खबर आई है अब एक क्लिक पर खुलेगी ड्राइवर कंडक्टर की कुंडली। तो प्रदेश में ड्राइवर कंडक्टर डाटा बैंक पोर्टल और ऑनलाइन यात्री वाहन परमिट योजना शुरू कर दी गई है। तो इसके लिए इस प्रकार से यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है। तो पहले चरण में यह योजना व्यावसायिक वाहनों के चालक और परिचालकों के लिए है। भविष्य में इसे अभी वाहनों के लिए लागू कर दिया जाएगा। दूसरी ऑनलाइन यात्री वाहन परमिट की योजना है। तो इस प्रकार से ये जो है नई जो ऑनलाइन परमिट योजना है वो शुरू की गई है। इसी के साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। तो यहाँ पे बताया गया कोविड 19 महामारी में पर्यटक उद्योग में पड़ी मार में प्रभावित बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम ई रिक्शा ड्राइवर कंडक्टर को 1,000 रुपये का एक मुश्त जो आर्थिक सहायता है वो इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। वहीं अफसरों को तबादला एक्ट से बाहर रखने की तैयारी की गई है। तो शिक्षा विभाग के अफसरों को तबादला एक्ट से बाहर रखने के लिए तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में सचिव और इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं करोड़ों हैं चीनी ऐप यूजर। तो 59 जो चाइनीज ऐप हैं उन पर बैन लगा दी गई है, जिसमें जूम ऐप, पबजी, टिकटॉक देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इन पूरों के बारे पूरे जो ऐप हैं इनके बारे में बताया गया है, यूसी ब्राउजर से लेकर के और यहाँ पे शेयर इट तक इसमें है, जिसमें लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। जिसमें शेयर इट में 60 करोड़, जूम ऐप में 20 करोड़, टिकटॉक में 40 करोड़, पबजी में 5 करोड़, इस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं। और देहरादून की खबरों की बात करें तो दून में कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल्स और होटल। वहीं शहर में रविवार को बंद रहेगा। इसी के साथ खबर आई है नए वार्डों में 250 सफाई कर्मचारी बढ़ाएंगे नगर निगम। वहीं दून के होटलों में चीन के नागरिकों पर बैन। तो शहर में प्रमुख होटल व्यवसायियों की एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों को कमरे न देने का निर्णय लिया है। और वहीं खबर आई है महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल। तो बैलगाड़ी से रायपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचकर पूजा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत। वहीं 2 दिन बाद दून से चली बसें, यात्रियों को राहत। तो 2 दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को ISBT और पर्वतीय डिपो से दोबारा बसों का संचालन शुरू हुआ।
और वहीं खबर आई है देहरादून में कोरोना के अब 99 मरीज, 578 मरीज ठीक भी हो गए हैं, तो केवल अब 99 ही केस एक्टिव हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों से, तो रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे बुग्यालों ने ओढ़ी रंग बिरंगे फूल की चादर। वहीं खबर आई है नई टिहरी से जहां पे गैर इरादतन हत्या के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं खबर आई श्रीनगर से जहां पे 55 लाख के घोटाले में पूर्व मैनेजर पर केस किया गया है, तो पीएनबी के वर्तमान शाखा प्रबंधक ने तहरीर दी है। खबर है गोपेश्वर से जहां पे महिलाएं संभालेंगी सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी, तो महिला मंगल दल को पीएम जीएसवाई हर साल देगा 2.5 लाख रुपए की रकम। वहीं खबर आई है पैदल मार्ग से केदारनाथ तक हर कदम पर बाधा, कैसे होगी यात्रा, तो बर्फ से टूटी हट रोलिंग की नहीं हुई मरम्मत, रास्ते पर पस रहे हैं हिमखंड। वहीं ऑल वेदर रोड के अधूरे कार्यों से सड़क पर कीचड़ है। इसी के साथ खबर आई है उत्तरकाशी से जहां पे नीम के 6 सदस्यीय दल ने 4823 मीटर ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। और खबर आई है एनएचएम में चल रहे इंटरव्यू रुकवाए गए हैं, तो खबर आई है गोपेश्वर जहां पे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पदों के लिए गुपचुप तरीके से चल रहे साक्षात्कार को अभ्यर्थियों ने रुकवा दिया है। और जखोली से खबर है जहां पे पॉलिटेक्निक बंद करने के विरोध में प्रदर्शन, तो संस्थान बंद करने का आदेश वापस लेने की मांग पर अड़े क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। वहीं केंद्रीय विद्यालय मास्को में सेवा देंगे अपर कैंप के प्रिंसिपल। बात करते हैं रुड़की हरिद्वार की खबरों की, तो अवैध खनन पर 5,57,00,000 का जुर्माना लगाया गया है, तो खबर आई है भगवानपुर रुड़की से। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे एचआरडी की टीम पर हमला किया गया, तो गायत्री विहार में अवैध निर्माण रोकने के लिए एई के साथ गई थी टीम। वहीं हरिद्वार से खबर आई जहां पे केंद्र के खिलाफ गरजे कांग्रेसी, तो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर डीजल पेट्रोल के रेट सहित महंगाई कम करने की उठाई मांग। और खबर आई है हरिद्वार से जहां पे ट्रक ड्राइवर की मौत के मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया, तो 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हाथरस के ड्राइवर ने फंदे से लटक कर दी थी जान। और वहीं खबर आई है घर में घुसकर कारोबारियों से मारपीट का केस सामने आया है, तो खबर आई है रुड़की से। हल्द्वानी नैनीताल की बात करें तो हल्द्वानी में तेंदुए की धमक से दहशत में लोग, तो बरसात के सीजन में वन्य जीव लगातार आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। रानीबाग से लेकर देवल चौर तक लोग तेंदुए के आने से भयभीत हैं। और वही खबर है कोरोना काल में डेंगू से निपटने की तैयारी तेज हो गई है, तो खबर है हल्द्वानी से। वहीं हल्द्वानी से खबर है जहां पे अफवाह से मटर गली रही वीरान, तो मटर गली में एक व्यापारी की कोरोना पॉजिटिव पिता की रविवार की मौत के बाद व्यापारियों ने आधे दिन दुकानें बंद रखी। इसके बाद बाजार में अफवाह फैली कि मटर गली को प्रशासन ने सील कर दिया है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे प्रदेश की मंडियों में आज बाहर हो जाएंगे 517 आउटसोर्स कर्मी, तो मंडी परिषद के आदेश पर हल्द्वानी मंडी ने 37 को दिया नोटिस। इसी के साथ खबर आई है गोलापार नैनीताल से जहां पे कुंवरपुर में नई पुलिस चौकी खुली है। खबर आई है काठगोदाम नैनीताल हल्द्वानी से जहां पर पुलिस के खिलाफ धरना किया गया है, तो काठगोदाम पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने बुद्ध पार्क में सोमवार को धरना दिया है। और खबर रामनगर से जहां पर हाईवे पर हाथी ने कैंटर में तोड़फोड़ की है, तो NH 309 पर सोमवार सुबह मोहान के पास हाथी ने एक कैंटर में तोड़फोड़ कर दी। वही खबर है प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर असमंजस, तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पर डिग्री कॉलेज में 13 जुलाई से 31 जुलाई तक होने वाली स्नातक और परास्नातक कक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लेकर के परीक्षार्थियों में असमंजस है। वहीं इस बार महालया पार्वण श्राद्ध के एक महीने बाद होंगे नवरात्र। और वहीं बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो धारचूला में हुई 129.80 मिलीमीटर बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो लगातार हो रही बारिश से सहमे सीमांत के लोग। पौड़ी घटकुन हिनकोट और सेम माली दाखिम बांसड़गढ़ और जो है यहां पे मसूरी कांडा से होकर सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं।
वहीं दाखिम गांव में घर में मलबा घुसने से भूपाल राम ने अपने बच्चे को बाहर निकाला है। तो इस प्रकार से जगह जगह घरों में पानी घुस गया है। वहीं खबर है, साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र न मिलने पर प्रदर्शन किया गया है, तो चंपावत से खबर आई है। वहीं कांग्रेसियों ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला, तो पिथौरागढ़ बनबसा से खबर आई है, जहां पे पेट्रोल डीजल के दामों और महंगाई को लेकर के विरोध किया गया है। इसी के साथ खबर है टनकपुर से, जहां पे शक्तिमान ट्रक यूनियन अध्यक्ष और खनन कारोबारी भिड़े, दोनों घायल हो गए हैं। टनकपुर से खबर है, जहां पे दुल्हन ने नाबालिग होने की शिकायत पर पुलिस ने रुकवाई शादी, तो दुल्हन के नाबालिग होने की सूचना पर पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने शहर में रही एक शादी रुकवा दी। उम्र स्पष्ट को लेकर की स्थिति स्पष्ट न होने से पुलिस ने अब उम्र का पता लगाने के लिए दुल्हन को बोन और टीथ टेस्ट के लिए भेजा है। और इस खबर आई है, जल्द शुरू कराओ टनकपुर जोलजीवी सड़क का काम, तो नेपाल सीमा से लगी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टीजे यानी टनकपुर जोलजीवी मार्ग का काम जल्द शुरू कराने की ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। और वहीं खबर आई है, उधम सिंह नगर की बात करें तो किसान को मारी गोली, आरोपी हिरासत में है। वहीं काशीपुर में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे शिशु की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार बताया गया है। और वहीं खबर आई रुद्रपुर से, जहां पे प्रताड़ना से तनाव में आए ई रिक्शा चालक ने फांसी लगा ली है। वहीं नैनीताल में भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। तो नैनीताल पुलिस ने 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया और इसमें 1 करोड़ तक का जो जुर्माना है वो वसूला गया है। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे पिता का दोस्त बनकर के बेटे के खाते से 40,000 रुपये उड़ाए गए हैं। वहीं खबर आई है सितारगंज से, जहां पे एक महिला की करंट और दूसरी की जहरीले कीड़े खाने से मौत हो गई है। तो परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर आई है काशीपुर बाजपुर से, जहां पे कांग्रेसियों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया है।